केंद्रीय सरकार जहां देश की जनता की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए नित नई नीतियां लागू कर रही है, तो वही जमीनी हकीकत ये है कि मनरेगा जैसी योजनाओं को सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में दम तोड़ते देखा जा रहा है। दरअसल ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विभाग द्वारा सरदारपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत रिंगनोद में करमदिया वाला नाला पर लाखों की लागत से निस्तार तालाब मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों से बनाने के बजाय जेसीबी मशीन से गुणवत्ताहीन बना डाला। अब यही करमदिया वाला नाला नामक निस्तार तालाब पहली ही बारिश में फूट गया है, जिसकी जवाबदारी कोई भी जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं है। इस विषय पर जब ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग के सरदारपुर एसडीओ एवं कार्यपालन यंत्री से दूरभाष पर संपर्क कर चर्चा की गई तो वे अभी अभी प्रभार संभालने का हवाला देकर पल्ला झाड़ते नजर आए। गौरतलब है कि जब इस तालाब का निर्माण मजदूरों से करवाने के बजाय जेसीबी मशीन से फर्जी ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था, तब मीडिया टीम ने तत्कालीन प्रभारी एसडीओ राजेश परमार को इसकी सूचना दी थी, किंतु कार्रवाई के बजाय फर्जी ठेकेदार एक मीडिया कर्मी अर्जुन मावी को धमकाने में पहुंच गए थे। हम आपको बता दें कि ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग द्वारा बनने वाले तालाबों में ठेकेदारी का कोई प्रभावधान नहीं है तथा खुद सब इंजीनियर को निर्माण स्थल पर उपस्थित होकर बनवाना होता है। बावजूद इसके इस केंद्रीय योजना को लाखों करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कुंभकर्णी नींद में सोए जिम्मेदार अधिकारी जन प्रतिनिधि पहली ही बारिश में फूटे इस तालाब के फर्जी ठेकेदारों व कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। सर, ग्राम पंचायत रिंगनोद में करमदिया वाला नाला पे तालाब फूट चुका है, उसमें कोई भी जवाबदार अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, इसमें आपकी ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, मुझे आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, मैंने संबंधित एसडीओ आरईएस को मौके पर भेजा है। चूँकि भारी बारिश हो रही है और चूँकि इतनी भारी बारिश में तालाब का टूटना एक सामान्य घटना होती है, लेकिन यदि कोई टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण यह हुआ है तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच करके उसको सॉल्यूशन करवाएंगे।